हेलो गुड मॉर्निंग बी ए सेकेंड ईयर सो वील बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आर मेर ऑफ कास्टरब्रिज चैप्टर सिक्स अर्ली वी हैव स्टडीड चैप्टर फाइव एंड इन दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट सुजन एंड एलिजाबैथ जेन अराइव एट फ्रंट ऑफ द किंग्स आमज एन एंड वेर अ क्राउड इज़ गैदर्ड जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा और ओपन बड़े बड़े विंडोज़ थे अलिज़ाबैथ जेन जो थी आ, उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है तो उसने बताया था कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिनर चल रहा है जिसमें कि मिस्टर हैंचर्ड जो कि मेयर है कास्टरब्रिज के आ, वो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और एक कम्युनिटी uh, जो एक कम्युनिटी डिनर जो है वो यहाँ पर uh, चल रहा है और सुजन और एलिजाबेथ जीन uh, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे क्योंकि हैंचर्ड uh, जो थे वो मेयर नाम उन्होंने सुना था एंड सुजन जो थी वो बड़ी अनश्योर थी कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो बताए कि वो यहाँ पे आई है या नहीं आई है हैंचर्ड को एज द टू जब दोनों ने देखा कि एलिजाबैथ जेन हैंचर जो है उनका जो वाइन ग्लास है वो खाली है उसको कभी किसी ने भरा नहीं और वो ले भी नहीं रहे तो द मेर हैज सन एंड ओर टू ऑबटेन कि वो लेकर लेंगे नहीं कभी भी क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था कि उन लोगों ने एक कसम ली थी कि वो कभी भी लकर को हाथ नहीं लगाएंगे कभी भी ड्राइंग नहीं लेंगे तो एज सुजन एलिजाब जेन जो अदर बाय uh, के साथ ये सब चीज़ें देख रहे थे समवन कॉल्स आउट मेयर को एक्सप्लेन करने के लिए जो करंट ब्रेड क्राइसिस चल रहे थे वहाँ पर हैंचर्ड uh, जो थे उन्होंने क्राउड को अश्योर uh, किया कि जो भी ये डैमेज हो रहा है वीट का वो इस पर कंट्रोल करेंगे और वो जो सारी सिचुएशन है उस पर uh, एक तरह से खुद इस चीज को शॉर्ट आउट करेंगे वो खुद देखेंगे कि ये सब क्या प्रॉब्लम चल रही है और कहाँ चल रही है जैसे कि यहाँ पर लिखा है A young who happens to be passing. एक young अब यहां इस सीन में आया है स्कॉचमैन यानी कि उसके पास अपना खुद का एक चैरियट था स्कॉचमैन जो कि घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उसके पास एक अपना खुद का चैरियट था चैरियट मतलब एक रथ टाइप का था उसके पास अच्छा सा एंड बाय हिज जब वो पास कर रहा था उस स्ट्रीट को तो उसने एक डिस्कशन सुना जो कि वीट के बारे में था ही राइट्स अ नोट एंड आस्कटर टू डिलीवर इट टू द मेयर उन्होंने एक नोट लिखा और वेटर को बोला कि वो मेयर तक इसको पहुँचाएं द स्ट्रेंजर देन मेक्स हिज वे टू द थ्री मैनर्ज इन थ्री मैनर्स इन एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर ये स्ट्रेंजर गया हैविंग विटनेस द इंटरेक्शन एलिज़ाबैथ जेन इज इंट्रीग्ड बाय स्ट्रेंजर्स देन शी बाय स्ट्रेंजर्स शी सूजन इन ऑल्सो लुकिंग फॉर अ प्लेस जो सूजन uh, थी और एलिजाबैथ जैन थे ये भी एक प्लेस ढूँढ रहे थे जहाँ पर वो लोग स्टे लो कर सकें सो दे डिसाइडेड टू फॉलो द यंग मैन तो उन्होंने यंग मैन को फॉलो किया कि ठीक है हम लोग साथ में uh, चलते हैं टू द थ्री बरानस इन द नोट इज डिलीवर्ड टू हैंडच नोट जो था वो हैंडच को ऑलरेडी डिलीवर हो चुका था वो रीड्स दिट एंड सीन्स क्वाइट इंटरेस्टेड जो कि उन्होंने जब नोट पढ़ा तो लगा कि हाँ वो इस चीज़ में शायद इंटरेस्टेड हैं प्राइवेटली ही आज द वेटर उन्होंने वेटर को बोला अबाउट द ओरिजिन ऑफ नोट कि ये नोट किसके द्वारा भेजा गया तो अपॉन लर्निंग दैट इट कम्स फ्रॉम अ यंग मैन उसने बताया कि एक यंग मैन ने उनको ये थमाया है स्कॉच मैन है वो हैज गॉन टू स्पेंड द नाइट थ्री मेराज इन चूंकि थ्री मेराइनर्स इन में अभी रात गुजारेगा हैंचर्ड ऑल्सो मेक्स इज टू द इन और इसी तरह से फिर हैंचर्ड जो था वो उस स्कॉच यंग स्कॉचमैन से मिलने के लिए इन की तरफ चल दिया सेवन सूजन एंड एलिजाबेथ जेन अराइवज़ एट थ्री मेराज इन एंड टेकरू सूजन एंड अलिज़ाबैथ जो थे इन्होंने भी वहाँ पर एक रूम लिया और uh, वहाँ पर स्टे करने के लिए ये रेडी हो गए फियरिंग दैट अकोमोडेशन आर टू एक्सपेंसिव अकोमोडेशन्स जो थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती थी वहाँ की यानी कि खाना पीना ये सब तो एजाबैथ जेन परस्यूज द लैंड लेडी टू अलाउ हर टू वर्क इन एक्सचेंज फॉर मोर अफोर्डेबल रेट तो अलीज़ाबैथ जेन जो थी उन्होंने लैंड उसने लैंड लेडी को बोला कि अगर वो उनके किचन में काम करेगी तो वो उसको अफोर्ड कर सकती हैं जो भी वहाँ का अकोमोडेशन हैं जो कि किराया है वो उसका अफोर्ड कर सकती है अगर वो उसको काम करने के लिए वहाँ पे रखे आफ्टर कम्प्लीटिंग हर कोर्स अलिज़ाबैथ जेन टेक्स अ ट्रे अपने सारे काम करके वो खाने की एक ट्रे जो है वो अपनी मदर के पास लेके गई जहाँ पर उसने देखा कि सूजन जो है वो ईज ड्रॉपिंग कर रही है ईव स्टोपिंग का मतलब होता है कान लगा के किसी की कोई बात सुनना तो यहाँ पर उसको ये देखकर बड़ा अजीब लगा ऑन कन्वर्जेशन इन द एडजेसेंट रूम पास के रूम से उसको कुछ कन्वर्जेशन सुनाई दे रही थी एंड विच इज ऑक्यूपाइड बाय स्कॉचमैन मैन जहाँ उसको पता था कि ये यंग स्कॉचमैन ठहरा हुआ है द मेयर सूजन द मेयर सूजन रिपोर्ट्स इज कन्वर्जिंग विद दूथ यंग स्कॉचमैन

and that while he too is in corn trade और उसने ये भी बताया कि वो भी इस corn trade में involved है उसको भी काफ़ी knowledge है इस बारे में he would have replied to the advertisement because he is on his way to America वो actually America जा रहा था और रास्ते में उसको ये advertisement दिखा जहाँ पर उसने उसने सोचा कि क्यों ना reply दिया जाए he then demonstrates to हैंचर the method और उसके बाद फिर उन्होंने हैंचर्ड को एक method जो है उसका एक demonstration दिया कि किस तरह से जो ग्रोन वीट जो है उसको रिस्टोर किया जा सकता है अपने नोट में उसने ये स्पेसिफाई किया था व्हेन हैंचर्ड ऑफर टू पे हिम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन जब हैंचड़ ने उनको इस इन्फॉर्मेशन के लिए पे करना चाहा तो फारफ्रे ने उस पैसे को रिफ्यूज़ कर दिया हैंचर्ड ऑफर्स हिम द पोजिशन ऑफ मैनेजर ऑफ इस बिजनेस उसके बाद हैंचड़ ने उनको एज अ मैनेजर अपने बिजनेस में Uh, उस पोजीशन के लिए वो भी रेफ़र किया वो भी ऑफर किया बट फारफ्रे डिक्लाइंट उनने फारफ्रे ने डिक्लाइन कर दिया फॉर द टाइम बीइंग इंटेंट ऑन ट्रैवलिंग टू अमेरिका क्योंकि उनका जो प्लान था वो अमेरिका ट्रैवल करने का था फारफ्रे इनवाइट्स हैंचर्ड टू हैव अ ड्रिंक उसके बाद फारफ्रे ने हैंचर्ड को ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट किया बट क्योंकि हैंचर्ड का हम लोग को पहले से ही पता है कि उसने एक वाव ले रखा है एक कसम ले रखी है कि वो कुछ ईयर तक कुछ सालों तक ड्रिंक नहीं करेगा और अपने पास के बारे में उसने कुछ थोड़ा बहुत फारे को बताया और ये रीज़न उसने बताकर और वो दोनों जो थे वो कॉन्वर्जेसन में लग गए तो दिस वॉज आर टू चैप्टर्स जो कि हम लोग आज किए हैं नेक्स्ट चैप्टर एट एंड चैप्टर नाइन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे होपफुली यू यू अ लॉट यू कैन राइट इट आउट अपने नोट्स में एंड टेक केयर